अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। याद नहीं करना, मैं सारी पॉसिबल ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, हम उसकी जर्नल एंट्री भी डिस्कस करेंगे और उसकी लेजर पोस्टिंग भी डिस्कस करेंगे। ओके, घबराए ना वो बच्चे जिनको जर्नल लेजर नहीं आता, क्योंकि मैं सारा दोबारा बताऊं, बट अगर नहीं आता तो रिवाइज कर लेना, वरना तड़प तड़प के जियोगे, इंजॉय नहीं करोगे अकाउंट्स को अगर आपको जर्नल लेजर नहीं आता, रिवाइज कर लेना। बट अभी जो जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस पार्टनरशिप में यूज होंगी, काफी हद तक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, जर्नल एंट्रीज भी और उनकी लेजर पोस्टिंग भी। लेजर पोस्टिंग आप ही मुझे बताएंगे, मैं जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगा, साइमल्टेनियसली चलेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब एंट्री जो पहला ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, यहाँ तो है आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ है नेट लॉस। सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट का क्या होता था? वेरी गुड, कैपिटल में ऐड कर देते थे, उसकी जर्नल एंट्री पास होती थी। क्या एंट्री पास होती है फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट? सोचो, विजुलाइज, आप दे पाएंगे शायद आंसर। मैं चलो रूल्स में थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आपकी। विल द नेट प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल और डिक्रीज द कैपिटल? बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, इंक्रीज द कैपिटल एड हो रहा है ना, तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल। एज पर द मॉडर्न अप्रोच, एज पर द मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड, तो जर्नल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्रिएट करी जा सकती है एंट्री अगर आपको नहीं भी आती तो। अब सिंगल ओनर तो है नहीं कि हम डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं पूरा का पूरा प्रॉफिट, पार्टनर्स हैं तो पहले प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पहले ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या जर्नल एंट्री होगी आपके हिसाब से काव्या? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अभी तो पता ना डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल ओनर नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे सर, आप भी मत करो फिर, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पीएनएल यूज कर सकते हो, अप्रोप्रिएशन पूरा लिखना, पी स्लैश एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री क्लियर है, नरेशन जहां जहां जर्नल वहां वहां नरेशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई डाउट? और यही अगर लॉस होता, विजिबिलिटी क्लियर है लास्ट रो, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ जाता, तो एंट्री होती पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। जनरल एंट्री क्लियर, इसको अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना, इसको अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट था तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेजर अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जर्नल फोलियो बनाने की जरूरत नहीं होती, एज पर कॉन्सेप्ट तो बनता ही है, अरे जगह नहीं है तुम्हारे पास इतनी, भूल जाओ, लेजर में यहाँ पे जर्नल फोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डेट का कॉलम भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया है, आप वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट कर रहे होंगे, लेजर में डेट बनती है, बट मैं कह रहा हूँ कि कन्वीनियंस से, क्योंकि सब एक ही डेट पे सब कुछ हो रहा है, कन्वीनियंस से वो पूरा ब्लैंक रहेगा, वो पूरा ब्लैंक रहेगा, तो बहुत छोटा सा बनाना हो बना देना, बट नॉर्मली वो भी वो कहते हैं कि आप सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट दिखा दो। ओके,
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ये क्लोज समराइजिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेजर बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, समराइजिंग हो रही है, समराइजिंग समराइजिंग। पीएनएल अकाउंट भी बन चुका है, पीएनएल अकाउंट के बाद कुछ पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जो अभी नहीं हुई है, तो सारी की सारी सेम डेट पे ही हो रही होती है, कब, क्लोजिंग के टाइम। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। अब इसको बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, बट टेक्निकली ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ब्रैकेट्स में नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में नेट लॉस। प्लीज अगर आपको ये सब याद करना पड़ रहा है तो आप प्रॉब्लम में हैं, लॉजिक के साथ समझेंगे क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट क्यों आया, डेबिट साइड पे लॉस क्यों आया। प्रॉफिट आया तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है उस अकाउंट का, तो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉस है तो उसके डेबिट साइड पे आएगा, और इंटर रिलेटेड है जनरल एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, तो डेबिट साइड पे आ रहा है तो क्योंकि क्रेडिट्स ज्यादा थे, वो उसका बैलेंसिंग फिगर था, क्लोजिंग बैलेंस था पीएनएल अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था क्योंकि क्रेडिट आइटम्स वर मोर देन द डेबिट आइटम्स, तो नेट प्रॉफिट आया था, ठीक है ना। प्लीज स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, नेट लॉस है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री डन। कोई डाउट, कह रहा चलो अब करो अप्रोप्रिएशंस, अब करो अप्रोप्रिएशंस, कह रहा चलो कर लेते हैं, इतना ही फोर्स कर रहे हो तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मीनिंग क्या होता है डिस्कशन के लिए, इट इज द रिटर्न, इट इज द रिटर्न विच द पार्टनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इन द फर्म, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू द पार्टनर टू इन्वेस्ट मोर मनी टू द फर्म। एज अ पार्टनर अगर मैंने 10 लाख डाले हैं, आपने 20 लाख डाले हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो मन ही मन आपको बुरा लगेगा, 10 लाख मैंने डाले 20 लाख आपने डाले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो बुरा नहीं लगेगा, यू आर बीइंग कॉम्पेंसेटेड, यू आर बीइंग कॉम्पेंसेटेड फॉर द एक्स्ट्रा मनी विच यू हैव, मेरे को 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 20 लाख पे मिलेगा, तो वो हुई ना फेयर ट्रीटमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न विच द पार्टनर गेट्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द फर्म, इट एक्ट्स एज अ कॉम्पेंसेशन, इट एक्ट्स एज अ कॉम्पेंसेशन ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म। अब ध्यान से देखना, मैं मीनिंग नहीं लिख रहा यार, प्लीज, मीनिंग तो क्लियर है सबको, काम की बात लिख रहा हूं मैं, इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर एंड एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज स्पेसिफाइड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज स्पेसिफाइड बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ चार्ज, वेदर इट इज अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन, तो क्या माना जाएगा, वो चार्ज या अप्रोप्रिएशन, इट विल बी ट्रीटेड एज एन, इट विल बी ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन, इट विल बी ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन, बट सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, ठीक है बात हुई। अगर मैं स्पेसिफिकली बोल दूं क्वेश्चन में ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज,
तो स्पेशल क्लॉज डाल दिया ना मैंने पार्टनरशिप डीड में, तो हम तो कुछ भी डाल सकते हैं क्लॉज तो। लेकिन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बट नेचर स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो अप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं आती, हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होती है, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, कौन सी साइट पे दिखाते हैं। तो अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दूं कि हाँ इसके 500 रुपए हैं या 5,000 है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में डेबिट होगी, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगी। कैलकुलेशन की कोई बात अभी हो ही नहीं रही। ओके, फर्स्ट स्टेप होगा ये अंडरस्टैंड करना उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी लेजर प्लेसमेंट क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीनिंग क्लियर है, नेचर क्लियर है, जर्नल एंट्री क्या होती है, कौन बता सकता है जर्नल एंट्री? अनन्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री जल्दी बोले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको भी दिया जा रहा है। तो पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इज इट अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। तो नेक्स्ट एंट्री होती है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या मैं बस एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब तक आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अब तक आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन आपका काम होगा कि अगर नहीं पता, सर एक बार प्लीज रीजन बता दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, जल्दी से बोलेंगे आप। नो, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंस है फर्म का, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जर्नल रूल बेस्ड है, वो रूल्स तो दिमाग में छपे, आंख बंद करो। एक्सपेंसेस का रूल इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, लाइबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम है। तो जर्नल लेजर में आपको मॉडर्न अप्रोच बहुत ज्यादा काम आएगी, 10 मिनट का काम है, रिवाइज कर लेंगे, अपने सामने चिपका देंगे, एक हफ्ते तक देखेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा, उसके बाद हटा देंगे, कुछ और चिपका देंगे बाद में, बट छपा होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि सारी एंट्रीज उस पर बेस्ड हैं अभी भी। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, इसलिए डेबिट हो गया। ओनर के लिए इनकम है, इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो इसीलिए कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो सब कुछ रूल बेस्ड है, कुछ भी याद नहीं करना, समझना। फिर उसके बाद फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसीलिए एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो सर हो तो गया ऊपर, अब क्या हो रहा है? बेटा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर कैलकुलेट करा, पार्टनर को तो क्रेडिट कर दिया, अब फर्म के हम, अब जैसे सैलरी है, जब हम सैलरी पे करी एम्प्लॉयज को, तो सैलरीज टू कैश एंट्री पास करी, हो गई सैलरी पे। लेकिन जब क्लोजिंग होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज करते हैं कि नहीं करते? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू सैलरीज दिखाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालता ना कि इवेंचुअली प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, सारे खर्चे देने के बाद एंड में प्रॉफिट बचे कितने, वो भी तो कैलकुलेट करना है। उसके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अभी हम एक टर्म सीखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या टर्म सीखेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट्स, रेजिडुअल प्रॉफिट्स। मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्लियर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, कैपिटल में क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखना, प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली करेंगे तो हमारा काम इजी रहेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जल्दी बोलेंगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं अज्यूम कर रहा हूं दो पार्टनर्स हैं, तीन होंगे तो तीन बार आएगा, ऐसे ए बी और सी, मैं अज्यूम कर रहा हूं दो है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना, बी का कितना, प्रेजेंटेशन टोटल करी, बाहर आ गया। तो एक एस्पेक्ट हो गया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को तो डेबिट कर दिया, पार्टनर को पैसे मिले हैं अभी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में
क्रेडिट साइड पे आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगेन दिस इज ऑल्सो लेजर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। डेट का कॉलम मैंने क्या बताया आपको? ऑप्शनल होता है, नॉर्मली कोई नहीं बनाता, बट फॉर्मेट से एक एग्जिस्ट तो करता है, फॉर्मेट से एक एग्जिस्ट तो करता है, बट जगह इतनी कम पड़ती है कि डेट का कॉलम बनाता ही नहीं है, क्योंकि तीन तीन पार्टनर्स हैं, शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से वो कहता है चलो कोई बात नहीं, डेट का कॉलम मत बनाओ, क्योंकि डेट यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, सब सब क्लोजिंग के टाइम एंट्रीज पास हो रही है। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी ए बी अल्फा बीटा। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस कि पहले से कितना पड़ा था। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस। कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल का रूल क्या होता है? ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड, कोई डाउट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट है, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे आता है। क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टेप वन होगा, जो भी अकाउंट है वो जर्नल एंट्री क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री क्या है, और वो लेजर में कहाँ पे प्लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी को डाउट? हम कैलकुलेशन की अभी कोई बात ही नहीं कर रहे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन सर आप बता दोगे कि ए का इंटरेस्ट 5,000 है और बी का 10,000 है, तो मुझे पता है दिखाना कहाँ पे है, बस इतना आना चाहिए अभी। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे ही ड्रॉइंग्स अगर करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज भी होगा। इट एक्ट्स एज अ डीमोटिवेशन कि मत करो पैसे विड्रॉ, वरना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा, पैसे इन्वेस्ट करे, इसने पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर मुझे खुंदा यार ये क्या बात हुई, मैं भी विड्रॉ करूंगा, मैं तेरे से भी ज्यादा विड्रॉ करूंगा, कह रहे कर लो इंटरेस्ट लगेगा, दे दो इंटरेस्ट, कर लो ड्रॉइंग्स, बिजनेस तो हमें करना ही नहीं है, बिजनेस से पैसे बाहर निकालो तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो कोई तो डिमोटिवेशन होनी चाहिए ना पैसे विड्रॉ करने की, जरूरत है करो, जरूरत है करो, आपके पैसे हैं, बट फिर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा आपको बाकी पार्टनर्स को। तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, आपने ड्रॉइंग्स करी आपके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स। तो पार्टनर के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए खर्चा है और फर्म के लिए इनकम है, तो आपने पैसे विड्रॉ करे, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए विड्रॉ करे, 10% इंटरेस्ट है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो गया, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो जो 10,000 का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के प्रॉफिट्स आप 10,000 दोगे फर्म को, फर्म के प्रॉफिट्स 10,000 से बढ़ जाएंगे और वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर क्या हमें कोई बुरा लगेगा अगर इसने पैसे विड्रॉ करे, क्योंकि इसने कॉम्पेंसेट करा, उसके लिए इनकम जनरेट हुई है हमारी, कहेंगे भाई आज बहुत ही खुशी की बात है और पैसे विड्रॉ कर, अगर कॉम्पेंसेट किया जाए तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का लॉजिक समझ आ गया कि क्यों दिया जाता है, क्यों चार्ज किया जाता है, कह रहे जब आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तो पैसे विड्रॉ करोगे तो चार्ज भी करेंगे। इनकम किसकी है? फर्म की। एक्सपेंस किसका है? ओनर का। कोई भी डाउट? जर्नल एंट्री पे आते हैं अब। कौन बताएगा जर्नल एंट्री? कौन ट्राई करना चाहेगा जर्नल एंट्री? करो। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू कैपिटल, रॉन्ग। अब खुद सोचना है, मैंने मैंने कोई याद नहीं करी हुई, मैंने कोई आज तक याद नहीं करी, लेकिन जैसे आपने बोला मैंने सोचा, विजुलाइज करा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डेबिट कर दिया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, फर्म के लिए तो ये इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्रेडिट होना चाहिए था, बट वो मैंने 2 सेकंड में इतनी सारी बातें, मैंने कोई एंट्री याद नहीं की हुई, लेकिन सुनते ही लगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है, गलत, क्योंकि इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट होना चाहिए था, समझ आई बात? फर्म के लिए तो रेवेन्यू है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट होगा।
पीएनएल अप्रोप्रिएशन, आप फिर आपने वायलेशन कर दी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर डेबिट कर रहे हो तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तभी डेबिट होगा। इज इट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म? नो। गुड, आप पार्टनर से चार्ज कर रहे हो, ये पार्टनर से रिकवर कर रहे हो, ये कोई कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती, पार्टनर से रिकवर किया जाता है। अब जैसे अगर आपने ड्रॉइंग्स करी 1 लाख रुपए और 10,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज हो गया, तो 1 लाख तो आपसे लेंगे ही लेंगे, 10,000 और लेंगे, तो आपसे कितने लेंगे? 1,10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है, एक ऑप्शन ड्रॉइंग्स अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन क्या, कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट कर दो, क्योंकि इवेंचुअली क्या हो रहा है, जो ड्रॉइंग्स हुई, ड्रॉइंग्स इन टोटल आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ओनली, आप डायरेक्टली कैपिटल को ही डेबिट कर सकते हो ड्रॉइंग्स के लिए। अभी करेंगे ना तो दिखेगा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पे लिख रहे हो ड्रॉइंग्स, क्यों? क्योंकि आप कैपिटल में से डिडक्ट कर रहे हो वो अमाउंट। आप ड्रॉइंग्स में ध्यान से सुनना, आपने ड्रॉइंग्स करी 1 लाख, 10,000 था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग्स में ट्रांसफर कर दिए 10,000, और 1,10,000 टोटल ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस करी, तो कैपिटल में से कितने माइनस हुए? 1,10,000। ऑप्शन टू, ड्रॉइंग्स कितनी है? 1 लाख, कैपिटल को डेबिट करो, कैपिटल में से माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 10,000, कैपिटल को डेबिट करो, कैपिटल में से माइनस करो, तो कैपिटल से तो -1,10,000 ही हो रहे हैं। आप 1 लाख और 10,000 अलग अलग करके माइनस करें, डेबिट करें, माइनस करना मतलब डेबिट करना, या 1,10,000 एक साथ करें, दोनों बातें सेम है, कोई डाउट? तो डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मुझे एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों क्रेडिट हो रहा है? फर्म के लिए इनकम है। ड्रॉइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? पार्टनर से रिकवर हो रहा है, उतने से उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। नाउ कैपिटल से तो एडजस्ट कर लिया, फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो ये ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि फर्म की इनकम है तो फर्म के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दो, ओनर से रिकवर कराता तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दो। सर, एट द सेम टाइम बाकी पार्टनर्स से तो इनकम भी है वो। नहीं, पार्टनर, बाकी पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो बाकी पार्टनर्स में वो अमाउंट इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या वो फर्म के प्रॉफिट्स में एड अप हो जाएगा, फिर फर्म के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स निकाले जाएंगे और पार्टनर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवेंचुअली इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा कंसोलिडेशन के बाद, या इंडिविजुअली उनको उसका शेयर मिल जाएगा कंसोलिडेशन के बाद। तो होता रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे जा रहा है, उतने से वो फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ा देगा, तो जितने भी टोटल प्रॉफिट्स होंगे वो एक ही बार ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, एक एक करके थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लॉजिक समझ आया ना? अब इसकी प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लॉजिक समझ आया ना, क्रेडिट साइड पे क्यों आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? बेटा प्लीज समझ आना चाहिए कि क्यों आ रहा है इधर, और कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि बताऊं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितना ए का है वो ए देगा, जितना बी का है वो बी देगा, कोई भी डाउट? नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डन। नेक्स्ट, सैलरी और रेमुनरेशन, अगर मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में आपके लिए क्वेश्चन में कि हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं, ये सब नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, नॉर्मली क्या होता है, कोई एक्सपेंस इनकर होता है तो एक्सपेंस टू कैश और बैंक होता है ना, ये सब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, हम बस उसके कैपिटल में एड अप कर देते हैं। अरे आप, तूने फर्म से इतना पैसा लेना है, जब लेना होगा ले लियो, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर होती जा रही है चीजें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कमाया कि आपको पैसे मिले अलग से, आपके आपने कैपिटल डाली 5 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिल गया 50,000, तो आपकी कैपिटल में उतना एडअप हो गया, अब आपकी कैपिटल हो गई 5,50,000। ऐसी अगर आपको सैलरी मिली, रेम्यूनरेशन मिली, अगर हम इंप्लॉइज को सैलरी पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है सैलरी टू कैश और बैंक। हमने बचपन में सीखा था अकाउंट्स के बचपन में, सैलरी अलाउड टू प्रोप्राइटर, सैलरी अलाउड टू प्रोप्राइटर अकाउंटिंग इक्वेशन में आता था, या कहीं आता था जर्नल में आता था, खाता
खासकर एमवीएन में ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो उसकी एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट अलाउड टू प्रोपराइटर, ओनर को दे रहे हैं तो एक्सपेंस और कैपिटल अफेक्ट होते थे, कैश अफेक्ट नहीं होता था। पॉइंट, सैलरी देना, रेम्यूनरेशन देना, कमीशन देना पार्टनर को, ये सब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती। जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं सैलरी लिख रहा हूं, रेम्यूनरेशन होगी तो रेम्यूनरेशन आप लिखेंगे। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम। मैं बेहोश हो जाऊंगा। फर्म के लिए एक्सपेंस है, ओनर के लिए इनकम। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज, और अगर रेम्यूनरेशन है तो रेम्यूनरेशन। तो सिंपल सी प्रेजेंटेशन है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मिस्टर लोगानी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ज्यादा पीछे चले गए, डेबिट साइड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या आ जाएगा, टू सैलरी और रेम्यूनरेशन। ए की है तो ए, बी है तो बी, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, जो भी नाम है उसका नाम आ जाएगा उसके अगेंस्ट हम एक ही पार्टनर को भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सबको दें, जिसको दे रहे हैं बस ऐसे आ जाएगा प्रेजेंटेशन, जिसको दे रहे हैं फिर कैपिटल अकाउंट में भी। तो साइमल्टेनियसली करना, मिस आउट नहीं करोगे, साइमल्टेनियसली करना मिस आउट नहीं करोगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन, बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन। कोई डाउट, सेम एंट्री है, मैं कर भी नहीं रहा। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल प्रिपरेशन टू कमीशन, करेंगे अपने आप प्लीज, टाइम बचा सकते हैं हम ये वाला। प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, डीआईवाई, ठीक है ना, लेजर अकाउंट में दिखा देते हैं कि अगर कमीशन दे रहे हैं टू सैलरी टू रेम्यूनरेशन टू कमीशन, आप भी कर सकते हो ये, ठीक है ना, ये आपको भी अलग पर्पस क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, बट यहाँ पे अलग से लिख देना, है ना हमारे पास जगह। हाँ ठीक, बाय कमीशन। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका हमेशा से मन था साइंस लेने का लेकिन वो कॉमर्स ले लेते हैं, तो वो साइंटिस्ट वाला दिमाग यहाँ लगाते हैं, वो हर चीज में ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट पे आता है वो कैपिटल में क्रेडिट पे आता है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट पे आता है वो कैपिटल में डेबिट पे आता है। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसे मत याद करना, लॉजिक मत छोड़ना। फर्म का एक्सपेंस है तो पीएनएल में अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा, फर्म की इनकम है आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, फर्म की इनकम है तो पीएनएल में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा। ओनर की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल बढ़ रही है मतलब ओनर की इनकम है तो क्रेडिट साइड पे दिखा दो, ओनर की कैपिटल कम हो रही है उस ट्रांजैक्शन से तो उसके डेबिट साइड पे दिखा दो। प्लीज अकाउंटिंग रूल्स को छोड़ना मत, कभी गलत नहीं होगे, बहुत इजी रहेगा सब कुछ, फिर बस ये सीखना रह जाएगा कि अच्छा ये सब तो समझ आ गया सर, अब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है, दैट शुड बी द सेकंड स्टेप। मतलब ये तो कम से कम गलत ना हो ना कि दिखाना कहाँ है, वो क्लियर होना चाहिए, फिर हम अमाउंट पे ही सिर्फ दिमाग लगाएं। तो ये बहुत जरूरी है क्लियर होना कि क्यों और कहां। कमीशन क्लियर, कमीशन टू मैनेजर, ये इंटरेस्टिंग है, कमीशन टू मैनेजर, इज मैनेजर अ पार्टनर, इज मैनेजर अ पार्टनर, तो ये बस जानबूझ के मैंने डाल दिया आपको ध्यान रखाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भैया कमीशन टू मैनेजर एक अलग चीज है, कमीशन टू पार्टनर एक अलग चीज है। मैनेजर इज एन एम्प्लॉई, मैनेजर इज एन एम्प्लॉई, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएनएल अकाउंट में आएगा। हाँ बेटा आप इसे पूछ रहा हूं, पीएनएल अकाउंट, श्योर, करेक्ट, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, मतलब जो आप आग बंद करके कर लेते हैं, कमीशन टू मैनेजर,
वही तो एक एडजस्टमेंट थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अच्छे से आती थी, है कि नहीं? फेवरेट तो वो यहाँ पे भी आ सकती है। हाँ, और वो भी वैसे ही सिंपल, नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर कमीशन, ठीक है कि नहीं? तो वो कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती, आप जितना मर्जी चाहें। तो ध्यान से देखना, अभी बस एंट्री, दुख दर्द नहीं। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमीशन, तो ये बस याद दिलाने के लिए एंट्री यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे एंट्री याद डलेगी, कमीशन टू पार्टनर अलग चीज होती है, कमीशन टू मैनेजर अलग चीज होती है। कमीशन टू मैनेजर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल। तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जा ही नहीं रहा, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लेजर में आएगा क्या? नहीं। कैपिटल से लेना देना नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या? नहीं। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, जरा बस यार आज के लिए इतना ही। लास्ट टाइम भी वो ईको की क्लास डिले हो गई थी।